हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सुधा। सो आज मैं आप सभी को हिमाचल का लोकल फूड सिड्डू बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स गो। सो अभी हम किचन में हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि सिड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्राई आटा चाहिए होता है और फिर ये ऑलरेडी गुना हुआ आटा, जो कि इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डलता है जिसकी वजह से सिड्डू का जो ब्रेड होता है वो अच्छा बनता है। और फिर ये पेस्ट जो कि जिसका स्टफिंग होता है अंदर सिड्डू के, और इसमें थोड़ा सा वॉलनट, थोड़ा सा पीनट और थोड़ा जिंजर और सॉल्ट और थोड़ा सा मिर्ची और कोरिएंडर का पेस्ट है ये। और फिर हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रोलिंग पिन चाहिए होता है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करेंगे। हर काम शुरू करने से पहले हमें एक ग्लास में पानी भर के पी लेना चाहिए। और फिर अब हम अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले जहां हम वो आटा को रखने वाले हैं उस सरफेस को अच्छे से साफ कर लो। और फिर ये है हमारा प्यारा सा आटा। और फिर हम इसे यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्लावर इसके ऊपर और इसके नीचे इसे थोड़ा सा प्रेस करो और हाथ को अच्छे से झाड़ो। और अब ये स्प्रेड हो चुका है। अब मैं आपको इसे रोल करने की टेक्निक बताऊंगी। इसे ऐसे करो, पहले बंद करो, फिर कॉर्नर से पहले प्रेस कर लो और उसके बाद यहाँ से जो डिज़ाइन है वो ऐसे बनेगा। हमारा सिड्डू बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसे स्टीम करने के लिए डालूंगी स्टीमर में। So yes guys, this is the end of my video. If you like my video, do not forget to hit like, share and subscribe to my channel, and we'll meet soon in my upcoming video. Till then, bye.